फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माय वैष्णो टीचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आज मैं जीके जीएस का सेशन लेके हाजिर हूँ मेरे प्यारे मित्रों, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन मैं अपने सेशन में लेके आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस सेशन को मिस मत करिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो आप अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन। जीके जीएस सामान्य अध्ययन, जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट है 9 मेरे प्यारे मित्रों, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना कहाँ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? ऊंचा दरवाजा मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है बुलंद दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? नेत्रदान में क्या दान किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? क्या दान किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्डिया। नेत्र में एक कार्डिया होता है मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग दान करते हैं उसमें कार्डिया को दान किया जाता है। क्वेश्चन नोट करिए, गोवा किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किस किनारे बसा है मेरे प्यारे मित्रों? मांडवी नदी के किनारे बसा है गोवा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है?
पर है। तो यह है मेरे प्यारे मित्रों पुणे में भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, पुणे में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे मित्रों विटामिन डी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। चलिए इस्लाम धर्म के पैगंबर या संस्थापक कौन थे, तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, वो थे मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक या पैगंबर कौन थे, वो थे मोहम्मद साहब मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, इंडिया गेट का निर्माण सन 1921 ईस्वी में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण फ्रेंड्स सन 1921 ईस्वी में हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको आप लोग नोट करिए, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये 5 फरवरी 1922 यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन मेरे प्यारे मित्रों 5 फरवरी 1922 मेरे प्यारे मित्रों 1922 को असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है, 1920 से संबंधित है, इसको आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक तो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध नोट करिए, शताब्दी एक्सप्रेस
का संबंध किससे है, किससे है? तो ये है फ्रेंड्स, नोट करिए, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती से है। तो शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। चूना पत्थर का, मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, चूना पत्थर का रूपांतरित है, किसका है? तो ये है संगमरमर, संगमरमर चट्टान का। नोट कर लीजिए आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। और अगर आप मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। कोई पैड कोर्स नहीं, आपको निःशुल्क में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी करिए, जीके जीएस जो है एकदम स्ट्रांग बनाइए। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।